नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदा। झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा को लेकर सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील की। याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद उस आदेश पर रोक लगा दी गई है और साथ ही इस मामले में यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया। इससे इस परीक्षा में चयनित 326 अभ्यर्थियों को काफी राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2021 को निर्धारित की गई है। दरअसल हाईकोर्ट की ही एकल पीठ ने 7 जून को छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था और सरकार को 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश से 100 से अधिक सफल उम्मीदवारों की नौकरी जाने का खतरा था और इसके बाद 140 सफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। सितंबर की इस बीच में जो है वो नोटिस इत्यादि जारी किया जाता है, तो आज के आदेश में न्यायालय ने सिर्फ स्टेटस को यानी आज तक की जो यथास्थिति है वो बनाए रखने का आदेश दिया है और अपने आदेश में ये भी जाहिर किया है कि यदि जो चयनित अभ्यर्थी हैं या अपॉइंटीज हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं तो वो अगर कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी और न्यायालय के आदेश से कंटिन्यू करते रहेंगे तो इक्विटी का लाभ नहीं उठा पाएंगे भविष्य में और न्यायालय जो है इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद अपना फैसला देगी और न्यायालय जल्दी फैसला देगी, ऐसा न्यायालय ने इंगित भी।